जानकारी की बातें है, खास करके माँ बहनों के लिए। और आइए देखिए, शुरू करते हैं आज का मजेदार नाटक। नाटक का नाम है भूत का खेल। मैं हूँ भूत, आज दिखाने आया है खेल। तो शुरू करते हैं आज का नाटक भूत का खेल। देखिए जो हरा मिया, देखते हैं। अरे भाई भैया, तो ये बात बता, दारू तो तूने पिला दी मानव की, लेकिन किस लिए, किस खुशी में पिलाई तूने यार? तू बता, तू बता, तू बता, फिर हम विदेशी पिलाएंगे तुझे, विदेशी पिलाएंगे। मैं बताऊँ? हाँ बता। फिर मेरा अंदाज़ा ये है कि तू मतलब तेरा आजकल को आज कोई ऊपर की आमदनी हुई है? नहीं 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 गलत गलत। तो फिर तूने आज कोई लड़की बनाई होगी? अरे ये भी गलत, ये भी गलत, एकदम गलत। तो फिर मुझे आज कोई बढ़िया सा लॉट भी लगी है? नहीं नहीं, असलियत तो ये नहीं है। फिर तू बाप बनने वाला है? अरे तुझे कैसे पता? कैसे ना पता चल गया मुझे? चल दारू पिला, चल 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 चल। देखिए हरामी बाप बनने वाला है, लेकिन खुशी में दारू पी रहा है। मैं देखता हूँ ये हरामी अपने बीवी का ख्याल रखता है कि नहीं। अगर ये अपने बीवी का ख्याल नहीं रखता तो इस हरामी को मैं ऐसे सबक सिखाऊंगा। वही है भूत का खेल। चलिए देखते हैं ये अपने बीवी का ख्याल रखते हैं कि नहीं। मुझे दुनिया वालो शराबी लगते हैं। मेरा बाजार किधर है? बाजार? हाँ। कौन सी बाजार? मैंने तुमको रुपया दिया था ना बाजार लाने के लिए। वो उधर है, उधर उधर उधर। बाजार क्या उधर रहता है? बाजार तो बाजार नहीं रहेगा ना, और कहाँ रहेगा? तो रुपया दिया था बाजार लाने के लिए, मुझे तो भूख लग गया, मैं अब खाऊं क्या? वही हर रोज की तरह मेरा सर खा जाता, सर खा जा। रुपया ले जाके दारू पी के चला आया। तो दारू तो पीने की चीज है ना, तो और क्या करता, दारू पी लिया और आज खुशी का माहौल है। मैं बाप जो बनने वाला हूँ। तुमको मैंने बोला था ना मुझे साथ में करते ले जाने के लिए, वो भी नहीं किया। अब बर्फबारी ले जाने के लिए, वो भी नहीं किया। अब मेरा होगा क्या और मेरे बच्चे का क्या होगा? ये आंगनबाड़ी वांगनबाड़ी क्या लगा रखी है तू? वहाँ वहाँ जाके क्या फायदा है? तो बिना बता रही थी आंगनबाड़ी जाने में, और बिना है। अरे वो मीना 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 कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं। वहाँ जाके क्या फायदा है? अरे हमारे घर में सबको यहीं पे बच्चा हुआ है, तेरा भी यहीं पे होगा। नहीं मैं जाऊंगी। चल चल अभी अंदर, चल चल, देख देखता हूँ मैं कैसे तू जा पाती है। चल अभी अंदर, आंगनबाड़ी जाए। चल दारू पी लिया। हाँ हरामी तू जानता नहीं। हाँ तो तेरे बीबी तुझे आंगनबाड़ी ले जाने के लिए बोली थी। हाँ तू लेके गई, तुझे क्यों नहीं गया रे? तू जानता नहीं, तू जानता नहीं। सुन, हर गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी जाने से बहुत सारे सुविधाएं मिलते हैं। हाँ आज के बाद तू लेके जाएगा कि नहीं? जरूर जरूर। अगर नहीं गया तो कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आंगनवाड़ी चलो आंगनवाड़ी चलो आंगनवाड़ी। हाँ दीदी माँ बनने। अरे ये तो बहुत खुश कर दिया है, तुम माँ बनने वाली हो। वाह वाह वाह। अच्छा सुनो, तुम दोनों
शिकायत था। मैंने तो कहा था कि हम लेके जाएंगे जरूर। झूठ बोल रहा है, तू ऐसे नौटंकी मत कर। जितना जल्दी संभव है तुम इसे सस के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाओ। तुम बाप बनने वाले हो, ये माँ बनने वाले हैं, दोनों मिलकर तो बच्चे को बड़ा करोगे ना। हाँ सो तो है। बता देती हूँ, इस समय में गर्भवती महिला के लिए जरूरी है। पहली बात ये है तुम ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे। दूसरी बात ये है 3 घंटा खाना खा दे, भूखा पेट कभी नहीं रहोगे, ठीक है। तीसरा बात ये है कि भारी बोझ उठाना मना है। चौथा बात ये है दिन में 2 घंटा, रात में 8 घंटा, सब मिला के 10 घंटा विश्राम लेना ही है। दीदी लेकिन मैंने इसको रुपया दिया तो बचा हुआ नहीं है, भूख लग गया था, लेकिन दारू पी के चला आया। फिर मेरे पीछे पड़ गई तू, हम फिर मेरे पीछे पड़ गए। देखिए दीदी आप कुछ कहो वरना गर्भवती महिला को खाना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात है, हर रोज इसे ही आंगनबाड़ी में लेकर आओगे। उससे क्या होगा? अरे खाना मिलेगा, यहाँ पे खाना मिलेगा। तुम हर रोज हमारा जो खिचड़ी स्कूल है ना, जानते हो आंगनबाड़ी कहाँ पे है? हमारा जो खिचड़ी स्कूल है वही आंगनबाड़ी है, तो वहाँ पे आओगे, आराम से बैठकर भर पेट खाना खाओगे, फिर वापस जाओगे। तब तक तुम्हारे बच्चे का उम्र जब 6 महीने हो जाए तब तक याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद तू हर रोज अपने बीवी का आंगनबाड़ी लेके जाएगा ना। कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं। मेरे लाल, ये तो समझ गया, मुझे लगता है आप लोग भी समझ गए। तो सुनिए, आप में से कोई भी गर्भवती हो या आसपास वाले कोई भी गर्भवती हो तो उसे आंगनबाड़ी जरूर लेके जाइए, क्योंकि आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे सुविधाएं मिलते हैं। और इसी बीच हमारे सपना माँ बन गई। अरे सपना, तुम्हारे बच्चे तो बहुत तंदुरुस्त हुआ। हाँ दीदी, आप जैसे हम उसको कहा था ना वैसे हमें सब कुछ सुना। इसीलिए तुम्हारे बच्चे अच्छा। सुनो, हर रोज आंगनबाड़ी केंद्र आ रहे हो ना, खाना खा रहे हो ना? वाह, मेरे बच्चे को अपना दूध पिला रहे हो ना? हाँ, ये याद रखना है, 6 महीने उम्र तक बच्चे सिर्फ माँ का दूध ही पियेंगे, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। याद रहेगा, पानी पानी सिर्फ पानी, बकरी का दूध, गाय का दूध कुछ नहीं, भी नहीं, सिर्फ माँ का दूध ही पियेंगे। और इसके साथ डॉक्टर लोग का लिस्ट है ना, टीटेनस देने के लिए, वो टीटेनस इंजेक्शन जरूरी है। रोग प्रतिशोध के लिए, रोग से बच्चे को बचाने के लिए ये रोग प्रतिशोध टीकाकरण जरूरी है, तो टीका जरूर देंगे, ठीक है। और बच्चे को भी 6 से 5 बरस उम्र तक क्या मिलेगा? अरे आंगनबाड़ी केंद्र में खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। कितने दिन का? कितना दिन तक? अच्छा, उसके साथ शिक्षा भी मिलेगा, पढ़ाई लिखाई भी होगा। पढ़ाई लिखाई मेरे वाह, मेरे लाल, मेरे वाह। तू समझ गए ना? आंगनबाड़ी केंद्र में सिर्फ गर्भवती माओ का नहीं, उसके बच्चे का 6 महीने उम्र से लेके 5 बरस तक उसे मुफ्त में खाना मिलेगा। सिर्फ खाना ही नहीं, उसके साथ शिक्षा भी मिलेगा। हाँ, तो ये हरामी अभी सुधर गया, मुझे लगता है आप लोग भी जान गए कि गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सुविधाएं मिलते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरी मोड़ पर यही बातें लेकर। तो अभी ये नाटक मतलब भूत का खेल खत्म करते हैं, एक गाने के साथ ये नाटक खत्म करते हैं। ए, गाओ रे।
आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी चलो आंगनवाड़ी 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 चलो आंगनवाड़ी गर्भवती माँ का ख्याल रखे आंगनवाड़ी गर्भवती माँ का ख्याल रखे आंगनवाड़ी 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 चलो आंगनवाड़ी माँ बच्चे दोनों का ख्याल रखे आंगनवाड़ी 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 चलो आंगनवाड़ी पाँच बरस तक बच्चे का ख्याल रखे आंगनवाड़ी पाँच बरस तक बच्चे का ख्याल रखे आंगनवाड़ी 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 चलो आंगनवाड़ी। नमस्कार, खुश रहिए और दूसरों को खुश।